लेकिन दोस्तों चार्जर हमारा रेडी है, ये देखिए फ्रंट पैनल है, यहाँ मीटर लगा हुआ है, LED लगी हुई है और MCB लगी हुई है। अंदर के पार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने MCB यूज की है, 8 डायोड 6A10 के यूज किए हुए हैं। और इसमें इस बॉक्स के अंदर एक 120 mAh का कंडेंसर है और एक 72 mAh कंडेंसर है। दोस्तों इन दो कंडेंसर का यूज हमने इसलिए किया क्योंकि हमें चार्जिंग एम्पियर वो 10 A से ऊपर चाहिए थे, तो इसीलिए हमने 72 mAh का कंडेंसर यूज किया। बाकी एक कंडेंसर आप यूज करोगे 72 का तो चार्जिंग की 7 से 8 रहेगी, 120 का यूज करोगे चार्जिंग इसकी 10 A रहेगी, पर हमें लगभग चार्जिंग 10 A से ऊपर लेनी है, तो इसलिए हमने दो कंडेंसर इसमें यूज किए हुए। देखिए हमारे चार्जर बिल्कुल रेडी है, हम इसको देखिए पॉजिटिव निगेटिव हमने अपने पैनल के साथ इसको कनेक्ट कर रखा है ऑलरेडी। यहाँ पर हमारे बैटरी के वोल्टेज देख सकते हो और AC लीड के लिए देखिए हमने येलो वायर लगा रखा है 1.5 mm का। ये देखिए अब हम इसको ऑन करते हैं, ये देखिए दोस्तों हमने ऑन कर दिया, MP यहाँ पे आ गए हैं, देखिए 4 LED यहाँ रिको कर रही हैं। और देखिए यहाँ वोल्टेज दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, ये तो 16 वोल्ट के करीब दोस्तों, क्योंकि बूस्ट चार्जर है ये, और यहाँ जो है इसी तरह के आएंगे। यहाँ पे देखिए एम्पियर भी आ रहे हैं इसके दोस्तों इस चार्जर का काफ़ी बेनिफिट है। इसमें आप छोटी बड़ी सभी अलग अलग एम्पियर की बैटरी को आप एक साथ लगा के चार्ज कर सकते हो, जो लगभग 1 से लेकर 10 तक बैटरी को आप एक साथ चार्ज कर सकते हो। दोस्तों इंडस्ट्रियल यूज के लिए लोग लेते हैं जो बैटरी चार्जिंग का काम करता है, या ई रिक्शा चार्जर दोस्तों जो है उसकी जगह पे हम ये लोग यूज करते हैं। ई रिक्शा चार्जिंग के लिए भी जो 4 बैटरी वाला सेटअप है उसके लिए भी यूज करते हैं, बहुत ही कम वेट में दोस्तों होता है और बहुत ही इजीली इसको बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम खर्चे में बन के तैयार हो जाता है और इतना हैवी वेट भी दोस्तों इसका नहीं होता है। इसके सारे पार्ट हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं और बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही सम कनेक्शन इसमें है, सभी पार्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो सारे आइटम जो इसके सभी पार्ट हैं हमारे पास मिल जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों ये चार्जर डीप डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि कई बार बैटरी ग्रेविटी डाउन हो जाती है, डीप में चली जाती है, तो उसको चार्ज करने के लिए बहुत ही अच्छा बूस्ट चार्जर है दोस्तों। ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। थैंक दोस्तों, आइटम जो इसके सभी पार्ट है हमारे पास मिल जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों ये चार्जर डीप डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि कई बार बैटरी ग्रेविटी डाउन हो जाती है, डीप में चली जाती है, तो उसको चार्ज करने के लिए बहुत ही अच्छा बूस्ट चार्जर है दोस्तों। ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। थैंक दोस्तों।